बट जोक्सार्ट साउंड क्वालिटी की बात कर लेते हैं आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद नथिंग ईयर टू बिकॉज इसकी इतनी हाइप बनी थी ना एंड उसके साथ साथ इसकी प्राइसिंग भी बढ़ गई है टेन थाउजेंड रुपीज उसके हिसाब से दिस साउंड रियली गुड एक्चुअली मतलब यहाँ पे काफी अच्छा खासा बेस मिलता है आपको काफी बैलेंस साउंड सिग्नेचर है ऐसा नहीं है कि खाली बेस ही है ट्रेबल भी आपको अच्छा खासा देखने मिलता है मेजरली यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा साउंड में आप छोटी छोटी डिटेल्स पिन पॉइंट कर सकते हो कि अरे यहाँ पियानो बज रहा है यहाँ गिटार बज रहा है यहाँ पे ये चल रहा है बैकग्राउंड में ये चल रहा है ये सारी डिटेल्स आप सुन सकते हो तो उसके हिसाब से ये काफी प्रीमियम साउंड आपको देते हैं कंसिडरिंग द प्राइस बट यहाँ पे मुझे एक कौन लगा कि जो मिड रेंज है ना यहाँ पे वो उतना स्ट्रांग नहीं है मिड रेंज में भी स्पेसिफिकली जो मेल सिंगर्स का आवाज था ना वो मुझे उतना ज्यादा क्लियर नहीं लगा इन कम्पेरिजन टू अदर पेयर ऑफ ईयरफोन्स तो अरजीत सिंह या मोहित चौहान का दुख दर्द या खुशी आप सॉन्ग में उतना ईजिली एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे एंड यहाँ पे क्या होता था काफी टाइम की सिंगर का आवाज़ और बैकग्राउंड म्यूजिक दोनों सेम लेवल पे चल रहा है तो वो डिस्टिंक्शन नहीं मिल रहा था मुझे साउंड में। तो काफी सारे सॉन्ग्स में मुझे ऐसा लगा स्पेशली जब मेल सिंगर्स थे कि ये थोड़ा सा दबा दबा साउंड करता था एंड इतना खुला साउंड नहीं आता था फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक फीचर है अब नथिंग के ऐप में जाओगे तो यहाँ पे एक पर्सनलाइज ऑडियो का फीचर है जो यहाँ पे आपको टेस्ट अलग अलग रन करवाएगा कभी बीप आ रहा है कभी नहीं आ रहा है तो आपको वो बताना पड़ेगा ऐप में एक छोटी टेस्ट है वो आप रन करोगे ना तो उसके बाद ये आपके साउंड को आपके हियरिंग के हिसाब से और ज्यादा कस्टमाइज करेगा एंड एक बार मैंने ये किया ना उसके बाद फिर वोकल्स मुझे अच्छे खुले खुले सुनाई देने लगे एंड क्वालिटी ओवरऑल मेरे लिए स्लाइटलीउंडलाइज ऑडियो साथ साथ मतलब तो तो चालू करने के बाद थोड़ा सा छोटा लगा मुझे बट द कॉम्प्रोमाइज इज वेल वर्थ इट बट जैसे ही मैंने मेरे कान में ओपो एन को एक्स टू डाले क्या बवाल चीज है यारो ने क्या है कुछ भी सेटिंग आपको

बेटर लगी मुझे साउंड क्वालिटी और उसी के साथ साथ जैसे नथिंग में पर्सनलाइज ऑडियो था ऑन करोगे ना तो फिर और ज्यादा खुला खुला साउंड करता है ऑडियो बट इन दोनों के कंपेरिजन में डेफिनेटली आई फाउंड दी ओप्पो एंको एक्स टू बेटर बिकॉज यहाँ पे पंचियर बेस आपको मिलता है वोकल्स की क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल है एंड जो साउंड स्टेज है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया

फैक्टर होता है बिकॉज बाकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ ना तो जो इसमें मिलता है वही आपको इसमें मिलता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दोनों में है दोनों में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिलता है हाई मीडियम लो लेवल के नॉइस कैंसिलेशन मिलते हैं पर्सनलाइज ए एनसी दोनों में आपको मिलता है तो आपके एनवायरमेंट के हिसाब से ये नॉइस कैंसिलेशन को ट्यून करेगा एंड दोनों अच्छा काम करते हैं तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं दोनों में आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन भी मिलता है ये एक बहुत कुल cool फीचर है अगर आप बहुत काम वाम करते हो लैपटॉप पे एंड फोन भी यूज़ करते हो बिकॉज यहाँ पे आप दोनों डिवाइसेस को एक साथ

दोनों ईयरफोन्स के ऐप्स आपको मिल जाते हैं आई ओ एस पे एंड्रॉड नथिंग का नथिंग एक्स ऐप है ओप्पो का हे मेलेडी ऐप है हे मेलेडी ऐप का पहले पास्ट में काफ़ी ओप्पो के मॉडल्स के साथ आईफोन में दिक्कत आ रही थी कभी ये डिटेक्ट होते है नहीं होते हैं विद दी ओप्पो एंको एक्स टू डे वन से मेरे सारे ऑपरेशन चल रहे बराबर से आईफोन पे भी एंड्रॉयड पे भी तो ऐप सपोर्ट में ये मॉडल्स में मुझे पर्टिकुलरली दिक्कत नहीं आई यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो वन से काफ़ी सिमिलर है यार मतलब वो पिन एंड होल्ड करना या पिन एंड टैप करना ये सब करके आप प्ले पॉज नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक गूगल असिस्टेंट कॉल उठाना ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहां पे ओपो में एक और ऑप्शन है आप स्लाइड कर सकते हो आपकी फिंगर फॉर वॉल्यूम कंट्रोल नथिंग पे स्लाइडिंग कंट्रोल्स नहीं है बट आप वॉल्यूम के लिए कोई और कंट्रोल कंट्रोल भी असाइन कर कर सकते सकते हो हो जैसे मैंने किया तो ये सारी चीज़ें आप ईयरफोन से कर सकते हो। दो चार दिन में आप कंट्रोल से यूज टू भी हो जाओगे ओपो में एक बेनिफिट आपको मिलता है कोडेक के मामले में वैसे तो ये दोनों ईयरफोन्स में आपको ए कोडेक का सपोर्ट मिलता है और एल का भी सपोर्ट मिलता है ओप्पो में आपको एलडेक भी मिलता है तो एलडेक और एल दोनों

तो ये दोनों इजीली स्क्रैच हो जाएंगे नथिंग ईयर वन भी काफी लोग स्क्रैच हो गए थे एंड यहाँ पे ओप्पो का भी मैंने उतना रफली इसे यूज नहीं किया फिर भी केस पे काफी सारे माइक्रो स्क्रैचेस हैं नथिंग का तो मैंने एक्चुअली उसके प्लास्टिक के रैपर में ही रखा है जब मैं यूज नहीं करता बिकॉज़ मुझे ये बाद में बेचना है और भर भर के स्क्रैचेस आ जाएंगे तो फिर मैं इसे बेचूंगा कैसे बट हां कवर वर लगा लेना किसी पे अगर कुछ मिलता है आपको ऑनलाइन बिकॉज स्क्रैचेस दोनों पे आ जाएंगे इनके फिट भी मुझे कान में काफी कंफर्टेबल लगी चाहे वो ओपो की बात हो चाहे वो नथिंग की बात हो बोथ ऑफ दम वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एटलीस्ट एंड यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ईयर टिप्स भी मिलते हैं दोनों के बॉक्स में तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप ये चेंज भी कर सकते हो बैटरी के मामले में वैसे दोनों मुझे अच्छे लगे मैंने दो और कंटिन्यूअस दोनों पे म्यूजिक चलाया था तो दो घंटे के बाद इस पे एटी परसेंट बैटरी थी एंड इस पे सेवेंटी परसेंट बैटरी थी बट फिर भी ओप्पो ओवरऑल हैज अ बिगर बैटरी तो अगर आपको सिंगल चार्ज पे टोटल देखना है तो ये थोड़ा सा बेटर है एंड कॉल क्वालिटी वाइज दोनों बढ़िया लगे मुझे सामने वाले का आवाज मुझे क्लियरली आ रहा था सामने वाले को मेरा आवाज क्लियरली जा रहा था आपको अभी पता भी चल गया होगा पहले मैंने नथिंग ईयर टू के माइक से बात की अब इसके माइक से बात कर रहा हूँ सो यू हैव एन आइडिया की इंडोर कंडीशन में हम कॉल पे कैसे साउंड करते हैं अब हम आउटडोर्स में मूव कर

एंड यहाँ पे दोनों पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है तो आप आपके फ़ोन से या एक अलग वायरलेस चार्जर से इन्हें चार्ज भी कर सकते हो सो so, अल्टीमेटली दोनों ईयरफोन्स टेन थाउजेंड रुपीज़ के आसपास आपको मिलते हैं एंड एट दिस प्राइस मैं पर्सनली ओप्पो एंको को एक्स टू को पिक करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर साउंड क्वालिटी अब बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई दोनों ईयरफोन्स पे सेम ही है ऐसा नहीं है कि एक में आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलने वाला है दूसरे के कंपेरिजन में फीचर्स वाइज बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी है मुझे ओप्पो सुन के बेटर लगे तो मैं ऑब्वियसली यही खरीदूंगा कंसिडरिंग मैं टेन थाउजेंड रुपीज़ ऑलमोस्ट

तो फिलियट लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से अगर आप खरीदोगे ना तो चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपके क्या थॉट्स ये प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे कॉमेंट में बताओ अगर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने हैं आपको यहां पे मिल जाएंगे एंड अगर आपको चाहिए कि मैं कोई टीडब्ल्यू एस भी रिव्यू करूँ सस्ते वाले या महंगे वाले तो प्लीज लेट मी नो योर योरमेंडेशन इन द कॉमेंट्स थैंक यू और मैं आपकी नोटिफिकेशन में जल्दी वापस आऊंगा बाय बाय